नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई नीरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में पूरी ईमानदारी के साथ व्यस्त होंगे। तैयारी आप सब वन डे एंट्रेंस की कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की हो, चाहे वो आप TGT 8 दे रहे हों, आप APO दे रहे हों, आप State PCS दे रहे हों, आप RO दे रहे हों, आप PET दे रहे हों, आप पुलिस दे रहे हों, आप RPF दे रहे हों, हर जगह स्टैटिक GK पूछा ही जाता है। तो GK GS आपका थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। और मित्रों, आप जानते हैं जनरल नॉलेज हर जगह काम आता भी है। जैसे आज की इस क्लास में हम कुछ आधिकारिक भाषाओं के बारे में बात करेंगे। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, तो पश्चिम बंगाल में क्या बोला जाता है? तो तुरंत लोग कहेंगे बंगाली या अंग्रेजी बोली जाती है। लेकिन अगर हम पूछ लें तेलंगाना में क्या बोला जाता है, तो अगर आपको पता है तेलुगु बोली जाती है तो ठीक है, नहीं तेलंगाना में आप तेलंगानी लगा दोगे, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा याद रखना होगा, समझना होगा, बस और कोई बात नहीं है। जितना बढ़िया रिवीजन उतना बढ़िया सिलेक्शन आसान हो जाता है। आप जानते हैं किसी भी वनडे एंट्रेंस की, आप SSC की तैयारी कर रहे हो या फिर बैंक में, हर जगह क्वेश्चन यहाँ रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो वहाँ भी पूछ लिया जाता है। जैसे केरला का मलयालम से संबंध है तो UP का संबंध है, तुरंत हिंदी याद आना चाहिए, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। स्टैटिक GK हर जगह काम करती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आंध्र प्रदेश राज्य, एक साइड राज्य लिखा हुआ है, दूसरी साइड आधिकारिक भाषाएं लिखी हुई हैं, तो आंध्र प्रदेश राज्य है, तेलुगु वहाँ की आधिकारिक भाषा है। ऐसे अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अंग्रेजी वहाँ की आधिकारिक भाषा है। असम की बात करते हैं, असमिया वहाँ की आधिकारिक भाषा है। और बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में हिंदी बोली जाती है बढ़िया से। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, हिंदी वहाँ की आधिकारिक भाषा है। गोवा की बात करते हैं, कोंकणी और अंग्रेजी जो है यहाँ पे आधिकारिक भाषा के रूप में है। एक बार कोंकणी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, याद रखना, गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी एक बार परीक्षा में छप चुका है, इसलिए इसे याद रखना। आगे गुजरात की बात करते हैं, गुजराती याद आएगा। हरियाणवी की बात करते हैं या हरियाणा की बात करते हैं तो वहाँ हिंदी पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करोगे, हिंदी पूछा जाएगा वहाँ पे। क्या है आधिकारिक भाषा? हिंदी। आप झारखंड की बात करोगे तो ये भी आपके हिंदी भाषी प्रदेश के रूप में जाना जाता है, तो आधिकारिक भाषा हिंदी है। कर्नाटका की बात होती है तो कन्नड़ आता है। और केरला की अगर बात होती है तो मलयालम यहाँ की जो है आधिकारिक भाषा निकल करके सामने आती है। आप आगे बढ़ोगे, मध्य प्रदेश के बारे में देखोगे तो हिंदी यहाँ पे भी आधिकारिक भाषा होती है, महाराष्ट्र में मराठी चलती है, याद रखना। और मणिपुर की जब बात आती है तो मणिपुरी जो है यहाँ की आधिकारिक भाषा निकल करके सामने आती है। मेघालय की अगर बात होती है तो अंग्रेजी जो है यहाँ की आधिकारिक भाषा है, अंग्रेजी में ज़्यादातर काम होता है यहाँ पे। मिजोरम की बात होती है तो मिजो यहाँ की जो है आधिकारिक भाषा है। और नागालैंड की बात करते हैं, ये भी परीक्षा में छपा हुआ क्वेश्चन है, तो अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, याद रखना। पुलिस परीक्षा वाले तो बिल्कुल याद रखना। आगे उड़ीसा की बात होती है तो उड़ीसा की जो आधिकारिक भाषा है उड़िया है, पंजाब की पंजाबी है, राजस्थान की हिंदी है। और सिक्किम की अगर बात आएगी तो सिक्किम के लिए आप अंग्रेजी, नेपाली, सिक्किमी और लेपचा का नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये सिक्किम की आधिकारिक भाषा है। तमिलनाडु की बात होती है तो तमिल, आपसे सिक्किम में एक बार ऐसा क्वेश्चन से नेपाली के साथ मिलाने को दिया गया है, याद रखें। तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। तेलंगाना में तेलुगु है यहाँ की आधिकारिक भाषा, तेलंगाना की तेलुगु है आधिकारिक भाषा मित्रों। और त्रिपुरा की अगर बात आती है तो बंगाली यहाँ की आधिकारिक भाषा है, उसके साथ कोक बोरोक जो है आधिकारिक भाषा है, और अंग्रेजी भी यहाँ की आधिकारिक भाषा होती है। उत्तर प्रदेश की बात आती है तो हिंदी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। उत्तराखंड की बात होगी तो ये भी आपके हिंदी के रूप में ही आएगा, हिंदी आधिकारिक भाषा होती है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो अंग्रेजी और बंगाली यहाँ की आधिकारिक भाषा हो जाती है। तो ये तो बंगाल की बात हो गई। अब केंद्र शासित प्रदेशों की भी आधिकारिक भाषाएं देख लेते हैं। जैसे केंद्र शासित राज्य में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है तो अंग्रेजी, हिंदी और तमिल जो है ये तीन भाषाएं आपकी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। चंडीगढ़ बात करोगे, अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा होती है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव की अगर बात करोगे तो गुजराती है, कोंकणी है, मराठी और हिंदी, ये चार भाषाएँ फाइनली जो है आपकी क्या हैं, यहाँ की आधिकारिक भाषाएँ होती हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं। और आगे बढ़ोगे, दिल्ली की बात आएगी तो दिल्ली में अंग्रेजी और हिंदी दोनों चलता है। जम्मू कश्मीर में बात करोगे, कश्मीरी है, डोंगरी है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेज़ी है। तो जम्मू कश्मीर में टोटल 5 भाषाओं को जो है यहाँ पे क्या दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। लक्षद्वीप की बात करोगे तो मलयालम और माहे हो जाती हैं। पुडुचेरी की बात होती है तो तमिल, फ्रेंच और अंग्रेजी की बात आ जाती है। और लद्दाख की जब बात आती है तो अंग्रेजी और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में बताया जाता है कि ये इस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। तो क्लास तो छोटी है, राज्य ही हैं, लेकिन क्वेश्चंस घुमा के पूछा जाता है मित्रों, तो याद रखिएगा। आपसे पूछा जा राजस्थान की पंजाबी है तो सिक्किम की क्या होगी, ऑप्शंस में लेपचा दे और पता ना चले कि आप लेपचा लगाना चाहते हैं, सिक्किमी हीरो,
तो एक सिक्के में ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेपचा याद रहेगा तो काम बनेगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश का उर्दू दे दे आपसे के लिए छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के लिए हिंदू। गोवा के लिए कोंकणी दे दे आपसे कह दे पश्चिम बंगाल में क्या चलता है, हम मान लो बंगाली ऑप्शंस में नहीं दिया गया, अंग्रेजी दिया गया, तो आप क्या करोगे, जब आता है तभी न लगाओगे। इसलिए मित्रों आपको ऐसे क्वेश्चंस ध्यान में रखने होंगे, एक दो बार जब प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएंगे। उम्मीद है क्लास अच्छी लगेगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह ये काम आने वाला है, तो रीजनिंग की तरह समझ लो इसे लेना है और थोड़ा थोड़ा डाटा पर डे मेंटेन करते हुए चलना है। मिलते छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सलूट, जय हिंद।